हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। तो आज मैं आप सबको माता रानी का श्रृंगार करके दिखाऊंगी। नवरात्रों में मैंने माता रानी का श्रृंगार कैसे किया, एक एक चीज मैं बताऊंगी कि मैं माता रानी का श्रृंगार कैसे करती हूँ। तो मेरे इस चैनल पे बने रहें और अच्छा लगे तो प्लीज़ जय माता दी जरूर बोलना और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम माता रानी का श्रृंगार स्टार्ट करते हैं, चलो आओ। तो ये है मेरी माता रानी, मैंने इनको अच्छी तरह से पहले नहला दिया। तो मैं इनको बता देती हूँ, आपके पास इतनी बड़ी माता रानी है तो उनका साइज क्या आने वाला है माता रानी का। तो मेरी माता रानी इतनी बड़ी है तो इनको 9 नंबर साइज आता है माता रानी को। और मैंने इनको गंगा जल से, शुद्ध पानी से अच्छी तरह नहला धुला के अब मैंने रख दिया। आप देख सकते हो पीछे गीला हो रहा है। तो इनको अच्छी तरह से पोंछ कर अब मैं इनका श्रृंगार स्टार्ट करने वाली हूँ। जय माता दी। तो इस तरीके से है मेरी माता रानी। अब हम श्रृंगार चालू करते हैं और मैं आपको माता रानी की पहले ड्रेस दिखा देती हूँ, चलो आओ। आप देख सकते हैं ये माता रानी का ड्रेस है और इस तरीके के। अब की यार मैं माता रानी की रेड कलर में लेकर आई हूँ। सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये नीचे का और ये चुन्नी है। तो ये 9 नंबर साइज है माता रानी का ड्रेस। मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी ही प्यारी ये ड्रेस है। और मैं अभी जब बना के दिखाऊंगी तो आप देखना, इसी चैनल पे बने रहे। तो ये माता रानी की ड्रेस है और मैं इनका ये माता रानी का हार लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं क्यों रेड कलर है, तो रेड हार अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कंट्रास्ट में ये गोल्डन कलर की मोतिया वाली माला ली है। पर आप बीच में देखोगे इसके ये छोटे छोटे जो नग लग रहे हैं ये रेड में हैं। तो मैंने कॉम्बिनेशन में लिया है ये माता रानी का, 2 वाला सेट है ये। बहुत ही प्यारा सेट है और मैं आपको उसके प्राइस भी बताऊंगी एंड में, तो आप बने रहना। तो मैं ये लेकर आई माता रानी के लिए मुखट। तो इतना आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा है। इसके भी मैं आपको प्राइस बताऊंगी। तो मैं ये चीज़ लेकर आई हूँ और अभी माता रानी के मैं बाल भी लगाकर आपको दिखाऊंगी। तो ये माता रानी की ड्रेस 120 रुपये की है। ये जो आप सेट देख रहे हो जो ओनली 60 रुपये का है और ये भी 60 रुपये का है। बहुत ही प्राइस अच्छे हैं ड्रेस के अकॉर्डिंग, माला के अकॉर्डिंग। बहुत ही अब ज़्यादा देर ना करके माता रानी का श्रृंगार करते हैं। हमारी माता रानी वेट कर रही है, चलो आओ। अब हम ड्रेस को ओपन करते हैं और माता रानी को हम पहनाते हैं। की माता रानी का स्कल्ट है और ये पीछे बांधने के लिए इन्होंने ये डोरी दे रखी है और पन्नी से निकालने के बाद इस तरीके की लग रही है। आप देख सकते हैं माता रानी को। अब मैं इसको यहाँ से पहना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी की ड्रेस। आप देख सकते हैं मैंने माता रानी की ये पहना दिया है। नीचे से लेंथ भी सही है और पहनाने के बाद भी अच्छा लग रहा है ये नीचे का। बहुत ही प्यारा, आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी हम इनको और रेडी करेंगे। अब माता रानी के हम हेयर लगाते हैं। तो मैं आपको माता रानी के बाल दिखा देती हूँ। तो अब मैं इनको इस तरीके से यहाँ लगा दूंगी। अब मैं सेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप बताओ इस तरीके से ये खुली चोटी अच्छी लग रही है माता रानी के खुले बाल, या मैं माता रानी की गुद बनाती हूँ, फिर आप बताना कि कौन सी माता रानी अच्छी लग रही है। आज मैं ट्राई करती हूँ गुत कैसी लगती माता रानी। आप बताओ, अब मैंने माता रानी की गुत कर दी है तो मेरी माता रानी इस तरीके से लग रही है। क्यों, इनको भी तो गर्मी लगेगी ना खुले बालों में। तो मैंने अब क्या सोचा है कि माता रानी की हम गुत कर देते हैं।
तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अभी मुखट लगाएंगे तो फ्रंट से भी अच्छा लगेगा। तो हम माता रानी की अब केयर गुत कर देते हैं, और अभी हम इनके रबर बैंड बांध देते हैं। मैंने ट्राई करके देखा कि गुत करके माता रानी की चोटी कैसे रखती है, तो इस तरीके से लगती है मेरी माता रानी। तो अब मैं इनकी ना रबर बैंड लगा देती हूँ। मैंने माता रानी की चोटियों में रबड़ लगा दिया है। उससे पहले माता रानी को हम सेट पहनाएंगे, उसके बाद हम बाल लगाएंगे माता रानी के। तो अब मैं इसको ओपन कर देती हूँ और फिर माता रानी को पहनाते हैं सेट। तो मैंने माता रानी को सेट पहना दिया है, तो आप देख सकते हैं। अब हम इनके हेयर लगा देंगे इस तरीके से यहाँ। और अब मैं इसके बाद लगाने वाली हूँ ये मुखट। इसको हम ओपन करते हैं और माता रानी के हम लगाते हैं। आप देख सकते हैं माता रानी को मैंने मुखट पहना दिया है, और इस तरीके से चोटी भी लग चुकी। आप देख सकते हैं मेरी माता रानी को। अब हम माता रानी के लगाएंगे हम बिंदी। तो मैंने माता रानी के बिंदी भी लगा दी है, और इस तरीके से मेरी माता रानी रेडी हो गई है। अब हम ऊपर से चुन्नी उड़ाएंगे माता रानी को, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। जो माता रानी के साथ जो चुन्नी आई है, हम ये भी उड़ा देते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने माता रानी को चुन्नी उड़ा दी है, तो आप देख सकते हैं मेरी माता रानी का श्रृंगार हो चुका है नवरात्रों में। तो इस तरीके से मैंने अपनी माता रानी का श्रृंगार किया है। आप बताना कमेंट में कैसी लगी मेरी माता रानी। तो इस तरीके से नॉर्मल सिंपल मैंने माता रानी का श्रृंगार किया है घर पर, तो आप देख सकते हैं। कमेंट में जरूर लिखना जय माता दी। आप सभी को, जब आप वीडियो देखोगे, सभी को शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। सारे बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की, जय माता रानी। मैंने माता रानी को ये वाली भी चुन्नी उड़ा दी है जो इसके साथ आई थी, और ऊपर से भी मैंने माता रानी को चुन्नी उड़ा दी है। तो इस तरीके से मेरी माता रानी लग रही है। थोड़ा सा माता रानी को काजल भी लगा देते हैं, जिससे माता रानी और खूबसूरत लगे। तो मैंने माता रानी को काजल भी लगा दिया है, और एक काला टीका भी लगा देते हैं मेरी माता रानी को।